हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनिरुद्ध कुमार मौर्य। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध स्टडी पॉइंट। आज आप लोगों को हम क्लास फिफ्थ में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर क्या बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर ई बताने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर? ई। तो इनको क्या करना है, ऐड करना है। तीनों यूनिट वैसे बेसिकली किस में दे रखें, किलोमीटर में ही दे रखें, तो सिर्फ को क्या करना है, बस एडिंग करनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या हो सकता है, पहला है 9, ठीक है। फिर आ जाते हैं 9 किलोमीटर है, डेसिमल्स लगा दो और फिर 3 जीरो, क्योंकि 3 डिजिट्स है ना डेसिमल्स के बाद। अगला है 6.0999। अगला क्या हो जाएगा, 11.5 8 6। अब इनको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15। 15 का 5 कैरी 1, और 9 8 6 कितना हो जाएगा, 10। 18 18 हो जाएगा ना, 18 का 8 18 का 8 कैरी 1, 5 1 6 डेसिमल्स। 9 और 1 10, 10 और 6 कितना, 16, और इधर 1 1 2, ठीक है। 26 पॉइंट कितना आएगा, 685 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आसानी से ऐड कर सकते हो। तो इसमें क्या है, 219 डेसिमल्स 70, ठीक है। मीटर्स में सारे हैं तो आसानी से मीटर्स में ऐड हो जाएंगे। 85 डेसिमल्स स्ट्रेट लाइन में ही होना चाहिए, 39, ठीक। और अगला क्या है, 2 पॉइंट, तो 2.73 डेसिमल्स हमारा कहाँ, देखो ये सब स्ट्रेट में ही आ रहा है। यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी 0 बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे एक और 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 93 देखो कितना हो जाएगा, 93 कितना होगा, 12 12 का 2 कैरी 1 7 7 14 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 18 का 8 कैरी 1, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 10 15 15 to 17 17 का 7 कैरी 1 8 1 9 9 1 10 10 का 0 कैरी 1 2 1 3, तो कितना आ जाएगा, 307.82 मीटर, दिस इज आंसर। ओके, इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या है, 13 किलोमीटर 583। तो इसमें क्या करो, एक साइड में क्या लिखो, थर्ड वाला जो क्वेश्चन होगा उसको करने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर रहेगा और दूसरा मीटर रहेगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 13.583। अगला क्या हो जाएगा, 10 10, और फिर कितना, 10 फिर 5, ठीक बोलो 5। और अगला इधर क्या हो जाएगा, 15 और 26, तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक। इनको आपस में ऐड कर दो, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 11 6 और 5 11 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 3 14 14 का 4, ठीक है। अगला 8 2 6 1 7, इधर कितना हो जाएगा, 7 और 5, तो 5। अब इधर डेसिमल्स नहीं लगेगा, क्या नहीं लगाना, डेसिमल्स नहीं लगाना है क्योंकि डायरेक्टली उसी में ऐड करना है आपको। इधर क्या हो जाएगा, 5 3 8, और इधर कितना, 1 1 2 3, तो 38। तो जो आपका हो जाएगा ये, तो 38 किलोमीटर, और ये मीटर कितना हो जाएगा, 574 मीटर। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, 8 to 10 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 5 1 और कैरी भी तो था, तो 6
674, ओके ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 किलोमीटर एंड 674 मीटर। ऐसे ही सबस्ट्रेक्ट वाले क्वेश्चन होंगे। हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला ले लेते हैं सबस्ट्रेक्ट वाला, तो इसमें बड़ा कौन सा 19.7, तो 19.7 11.9 माइनस करो, 7 से 9 जाएगा नहीं तो सब बोरो लिया तो हो गया 17, 17 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, और डेसिमल्स लगा दो इधर बचा 8, 8 से 1 जाएगा कितना बचेगा 7, तो ये आ जाएगा 7.8 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद कौन सा अटेंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 अटेंड करने वाले हैं 5, ठीक, तो 5 में क्या लिखेंगे, वन साइड लिखेंगे किलोमीटर और दूसरी साइड लिखेंगे मीटर, बड़ा कौन सा, तो 12527 इधर कितना आ जाएगा 875 माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे क्या आएगा, माइनस करो 75 जाएगा 2 से 5 7 जाएगा नहीं तो जैसे कैरी लिया बोरो कहेंगे तो बोरो हो जाएगा 12 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 5, यहाँ क्या बचा 4, अगला 12 से 8 जाएगा 4, ठीक, तो ये क्या हो गया 4 किलोमीटर और 452 मीटर एंड दिस आंसर। ठीक है, फ्रॉम के बाद वाली बड़ी वैल्यू थी इसीलिए पहले उसको लिखा गया, फिर इसके बाद में छोटी वैल्यू थी उसको नीचे लिखेंगे 8, बाकी वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, तो एक तरफ लिखो मीटर और दूसरी तरफ सेंटीमीटर, तो मीटर वाले में कौन बड़ा है 101 कौन बड़ा है 101, फिर माइनस कितना है 19, इससे 49 और 32 इसको माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा 9 से 2 जाएगा 789, तो ये 7 बचा, इधर कितना बचेगा 1 से तो 3 जाएगा नहीं तो बोरो लिया तो हो जाएगा कितना 11 से 3 जाएगा 11 80, अब यहाँ पे क्या बचा 0, तो 0 इधर इधर से 0 है तो 10 हो गया, नहीं 0 ही रहेगा, तो 0 था 0 से 9 जा रहा है 10 हो जाएगा ना, 10 से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 1, इधर 9 से 4 जाएगा तो 9 से 4 जाएगा तो 551 इतना आ जाएगा 51 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। ओके, तो यही आंसर्स आएंगे, इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। आगे हम बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर, अब मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चनों का किस तरीके से होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज कौन सी होने वाली है 13.2 जो कि है मल्टीप्लिकेशन, पहला क्वेश्चन, तो 21.97 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 करा दो कितना आएगा 37 जा 21 कैरी कितना 2 93 जा 27 और 2 कितना होगा 89 तो ये जाएगा 9। ठीक, करी कितना 2 3 1 जा 3 2 5 और 3 2 जा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध कुमार मौर्य, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध स्टडी पॉइंट। आज आप लोगों को हम क्लास 5th में एक्सरसाइज 13.2 बताने वाले हैं। 13.2 में हमने एक क्वेश्चन बताया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर हम आपको जो बताने वाले हैं
वो क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताएंगे, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर्थ होगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये किलोमीटर है, 5 हेक्टोमीटर है, 6 डेकामीटर है और 8 मीटर है। तो ये 11 से क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सबको कराएंगे, ठीक है। तो ये काम कर लेते हैं, सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 यानी 1000 हो जाएगा। मीटर कितने हो जाएंगे, 1000, और हेक्टोमीटर में तो इसको क्या हो जाएगा, 5 × 100, ठीक। इसके बाद 6 है, डेकामीटर में तो कितना हो जाएगा, 6 t, ठीक है। फिर इसके बाद मीटर में तो 8, अब इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 6, 5 और ये 3, ये क्या आ जाएगा, मीटर। ये मीटर आ गया, तो इसको मीटर से मल्टीप्लाई कराइए, किससे, 11 से, 3, 5, 6, 8 इज मल्टीप्लाइड बाई 11, 1 8 8 6 5 3 × 8 6 5 3, तो ये कितना हो जाएगा, 8 14 14 का 4 कैरी 1 11 11 1 12 12 का 2 कैरी 1 5 3 8 1 9, वैसे कितना जाए, 9 और ये 3, ठीक। तो कुछ ये आएगा समथिंग, ओके इतना आ जाएगा। और इतना जब आ गया तो ये क्या हो जाएगा, बता सकते हो, 39, उसमें लिखना हो तो 39 किलोमीटर हो जाएगा, और 2 हेक्टोमीटर हो जाएगा, 4 डेकामीटर हो जाएगा, ऐसा लिखो 39, बताता हूँ 39 क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। और इसमें ही लिखना है 2 डेकामीटर आ जाएगा, डैम, ठीक है, डेकामीटर। डैम आ जाएगा, और 4, ये क्या हो जाएगा, 2 हेक्टोमीटर, 4 डैम हो जाएगा और 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर, आंसर जो निकल करके आएगा वो आपका ये आएगा, ठीक है। समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हमको करना है। डिवाइडेशन में हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कराना है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा उसमें हम उसको फिल कराएंगे। तो जो पहला वो क्वेश्चन है उसको हमें क्या कराना है, डिवाइड कराना है, क्या कराना है, डिवाइड कराना है। तो 10 से डिवाइड कराते हैं, किसे, 10 से। तो पहले इसको डेसिमल्स को रिमूव कर लेते हैं, तो 3.762 एंड डिवाइडेड बाई कितना, 10। अब जिसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इस पॉइंट को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अब जो इसको हम डिवाइड करा रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, देखते हो डायरेक्टली हम इसको डिवाइड कराएंगे, तो 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, तो डेसिमल्स हमारा कहाँ लग जाएगा, 4 डिजिट्स के बाद, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स भी इसमें 4 ही हैं, तो क्या होगा, डेसिमल्स हमारा कहाँ लगेगा, तो डेसिमल्स हमारा सबसे पहले लगेगा 4 डिजिट्स के बाद, फिर 4 डिजिट्स लिखी जाएंगे, 3762, तो ये आ जाएगा हमारा। और ये किस में आ जाएगा आपका, किलोमीटर में ही, ठीक, आंसर वही आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट हो गया। और वैसे दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सपोज 17.8, ठीक। तो 17.8 किस तरीके से करते हैं, देखते हैं उसको, 17.8 को हम करने के तरीके क्या है। तो इसका भी दूसरा क्वेश्चन अटेंड करने वाले हैं, तो इज इक्वल टू 17.8 और डिवाइडेड बाय क्या होगा, 5। तो आप इसको 5 से डिवाइड करा दो, तो ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पॉइंट रिमूव करके फिर डिवाइड करो, या डायरेक्टली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट ही डिवाइड करा देते हैं 5 से, 17.8,
ठीक है, अब क्या करते हैं, 5 3 15 कितना बचा, 2 बचा, अब यहाँ पे कितना, 7 से 5 जाएगा 2, अब कितना बचा हमारे पास, पॉइंट लगा ही है तो अब 2 में तो जाएगा नहीं, डेसिमल से यहाँ पॉइंट लगा दिया। और अगला नंबर क्या कर लेंगे हम, राइट कर लेंगे 8 5 5 20 5, तो कितना बचेगा 3, हमारे पास जो बचा 3। अब डेसिमल्स लगा ही है, पॉइंट बढ़ ला सकते हैं, तो 5 6 30, तो क्या हो जाएगा 3.56, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर। ओके, तो ऐसे ही सिमिलरली सारे क्वेश्चंस को हमें करना है, ध्यान में देखते हुए रखें किस तरीके से क्या करें। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें किस तरीके से करना है देखते हैं। 39.6 एंड डिवाइडेड बाई 4, तो इसको क्या कराना, 4 से डिवाइड करा दो, तो 4 से डिवाइड कराएंगे तो कैसे क्या करना है, 4 9 36, इधर कितना बचा 3 3, अब यहाँ पे डेसिमल्स लगा हुआ, और जब डेसिमल्स लगा होगा तो हम 6 राइट करेंगे, 4 9 36, तो यानी 9.9 आएगा, तो 36 9.9, ये आपका आंसर जो आ जाएगा वो 9.9 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे। थैंक यू।